सवाल तो सतही नौईयत का है, लेकिन नौजवान नस्ल का अहम मसला है कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर किसी से प्यार हो जाए, वो बाप है उससे मोहब्बत करो, उसका एहतराम करो, माँ है उसका एहतराम करो, उसकी इताअत करो, बहन है, प्यार तो बहन से भी हो सकता है, बेटी से भी हो सकता है, उस्ताद से भी हो सकता है। हाँ, अगर बीवी से है, बीवी से भी प्यार करो। सुभानअल्लाह। हर एक से मोहब्बत करने की नौईयत मुख्तलिफ है। दीन को आप पढ़ें कि ये कौन है, इससे मैंने किस तरह मोहब्बत करनी है। और अगर प्रोफेसर साहब का इशारा किसी और तरफ है, इससे मुराद अगर किसी नौजवान का किसी नौजवान लड़की के साथ प्यार मोहब्बत हो गया है, तो शरी हदूद में चाहिए कि उनके वालदैन से राबता करें और निकाह की तरतीब बनाएं ताकि शरीयत के मुताबिक हो जाए। क्योंकि आज का जो दौर है, फितरों का दौर है, को एजुकेशन कंबाइंड सिस्टम है, तो वहाँ ये चीज़ें तो हो जाती हैं। लिहाजा वली को दरमियान में ले आए, मामले को हल कर लें, मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह। शेख, इसी से मुतल्लिका ये जो मसले हैं, इनमें फिर अदालतों में जाकर निकाह लोग करवाते हैं, उसके भी जरा फिर देखें। वली को छोड़कर साइड पर रखकर अदालतों में जाना गलत है। अदालतें तो उस कंडीशन में होती हैं जब वली नहीं होता। जब वली मौजूद हो तो अदालतों में यूं जाना और इस तरह निकाह करना ये नाजायज है, इससे बाहर आना चाहिए।